नहीं, आप बैठे सर, आप बैठे सर, आप बैठे सर, बहुत शुक्रिया सर, बैठे आप। भाजी हेलो, ओ ठहर जाओ ना, सौ नहीं कीता। अच्छा एक और, वैसे तो अगर मैं इनकी मुख्तलिफ चीजों पे क्लैपिंग करवाता रहूं ना, या आप करते रहे, तो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा, वो इनकी खूबसूरती जो है वो खत्म नहीं होगी। एक क्लैप, कॉमेडियन बहुत है हमारे मुल्क में, लेकिन कुछ ये स्टेज आजकल जो जिधर चला गया, या कुछ आर्टिस्ट, उनको मजबूरन बहुत कुछ वल्गर करना पड़ता है। ये जो हजरात हैं, ऐसा ये जो हजरात है, एक बहुत बिग क्लैप इनकी ये बनती है, पूरी जिंदगी में मैंने नहीं सुना किसी की मां बहन को बात की हो, कोई वल्गर बात की हो, और या वल्गर ना करने की वजह से हंसा ना सके हो लोगों को। ये भी इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है बिल्कुल। इन्होंने सर, आप प्लीज आप बैठे, ये इन्होंने ये बात साबित की है कि जरूरी नहीं कि वल्गर बात करके ही आप हंसा सकते हैं। आप अच्छी बात करके या साफ सुथरी फैमिली वाली बात करके आप हंसा नहीं सकते, बल्कि हंसा के लोटपोट नहीं कर सकते। यार यकीन करें, इनके एक ड्रामे में सिर्फ इन्होंने इतना कहा है, एक इन्होंने एक लाइन बोली है, उसके बाद मैं ड्रामा देख ही नहीं सका आगे। कि इधर एक वो सेट चल रहा है और एक जज साहब बैठे हैं, जिनकी इन्होंने बहुत कीमत भी भुगती बाद में, और इधर शेर अहमद साहब हमारे लेजेंड वो खड़े हैं, और ये अब वकील है, और शेर अहमद साहब ने कोई बात की है इनके मुलजम ने, तो अब इन्होंने ये एक्सप्रेशन, और ये है कि भी देखो आया है, गलत गल कर रहे, यानी ये है, तो अब क्या कर रहे हैं? सील साहब ने बात की तो कहते, जाय साहब देख रहे हो, देख रहे हो जाय साहब, ओ हो। सर ये बात है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप भी काबिल एहतराम है, और ये सर ये मेरी फैमिली है, या हमारी फैमिली है। चलो बिठा दोगे कदा डिग पाएगा फिर बता। बैठ जाओ बेटे, बैठ। ओ पिछले जो एक तो डिगे पे ने मेरी नजर तो हुन तुसी ना ना उनदी नजर तो डिग पण। इस तो पहले मैं डिग पों ते ओ बैठ के ने मेरे नाल स्टैंडिंग कमीशन ही करौणी। भैया बाहर तेरे छाबे नु न्याणे छेड़न दे, इत्थे बैठा गल्लां करन दे। जी सर जी, इनका पहले तारुफ करवा दूं आपसे। जी ये फरीद साबरी साहब है सर, बहुत बड़े फैन है आपके ये भी सर। सर माशाल्लाह, वो जो आप एक ड्रामे में ना सर, आपने देखा तो होगा तकरीबन सारे इनके जो आजकल टिकटॉक पे बड़े चल रहे हैं, एक ड्रामे में ये इंट्रो होते हैं और एक खातून होती हैं, वो इनको कह देती हैं, आओ बैठो पाजी, पाजी ये सुनते हैं, पाजी हाय हाय हाय, पाजी कह देता मैनू, साडे कभी मर्दा ने साडियां औरतां ने कभी ताडे बंदे नू पाजी किया। ए कौन साहब ने जेड़े घर जाने सकी बुढ़ी कहती है भरावा एक मिनट मैं नकाब कर लो। ए कौन साहब ने कपड़े वाले नबील लगते ते मुंह वाले मराजदीन लगन दे ने। हां जी मैं इन्हों की आखिरी गल पहले कर देनी, ए कौन साहब ने जेड़े बकवास कर रहे ने। अच्छा जी सर, चाय पियोगे? गुट पुट जाना खराब हो गया। अच्छा तुसी मुंह तो वो कावा ते बन जाने, थोड़ी दुध ही पाउणी है ना। सही गल। मुझे पता था तूने ये हरकत करनी है। ये देखे जी, ये मेरे शूज चेक करे। ए कौन साहब ने रंग बिरंगे पैर वाले? ये है जी फैशन। ये आजकल फैशन चल रहा है। या फैशन जब होता वैसा होता है, या जब एक पैर ना लबे होता वैसा होता है। ए सर
अब ये दो जोड़े थे तो मुझे इसका बाया नहीं मिल रहा था, इसका दाया नहीं, दाया बाया समझते हो ना? अच्छा मैंने भी दसो अच्छा ये एक दिन ना इस तरह ये बूट पहने हुए तो बड़े परेशान थे, नहीं पंजाबी च, पंजाबी च एक दिन ना इस तरह बूट पाए ना तो बड़े परेशान, तो एक बंदा कहता भाजी जानी साहब ये की चक्कर, एक बूट होर पाया है होर पाया, कहते यार मैं खुद परेशान हाँ, यह जहा एक जोड़ा घर भी पिया है आहो वो भी खराब होया ये भी खराब होया समझ नहीं आ रही मैनू। हाँ जी वाह 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 सही गल, देखिया पता लगा है कौन साहब ने। अच्छा जानी खान जी मैं एक रिक्वेस्ट करा, पहले मैं चाह चाह, अच्छा जी आप में से हाथ ऊपर करे जो बेहतरीन चाय बनाना आती है जिसको, पहना पता की इको बारी दुद्ध मंगाते ने चैनल आले मैं वह रिस्क नहीं लेना, ये पता की है बाजी बाज कवे हो जानी घर तो सही बनती सी हाँ ना, हाँ जी हाँ जी सही गल, तो इसलिए आप बनाएगी। अच्छा उधर दे जरा, हाँ जी बाजी आपका नाम क्या है? जरीना। जरीना हाँ जी, बाजिया के ना यहोजे होंगे जरीना सकीना परवीन कदों टोनी टिमी फिक्की होंगे बाजी, ये बाजिया का ही नाम है। हाँ जी बाजिया के अजकल बाजिया के नाम जड़े ने की होंगे इस तरह का पिंकी। अच्छा हाँ रुखसार। अच्छा वैसे पिंकी का क्या हाल है? पिंकी ठीक पिंकी जड़ी ना हूँ थोड़ी थोड़ी जी ना ब्लैक होनी शुरू हो गई अच्छा जी बाजी चाय बनानी आती है? हाँ जी बेटा। पक्का? हाँ जी। की एक्सपीरियंस आ की इना कॉन्फिडेंस क्यों आ गया भी मैं चाय बहुत अच्छी बनानी आती? मैं घर चाह बनानी है खुले दुध दी। नहीं बाकी सारिया बुढ़िया बाहर गली जाके बनाउंदी सारिया घर बनाउंदी खुले दुध दी शक्कर ते चीनी थोड़ी जी पत्ती ते साड़ को ते शक्कर है नहीं उन साड़ को ते पत्ती है ते चीनी थोड़ी जी फिर आएगी मैं फिर कबूल कर लेना मैं बना देनी है तुहानू ऐ मैनू रौला ही लगदा है फिर कबूल कर लेना हुण है मेरी भैण मैं कह भी कुछ नहीं सकदा बाजी ने थोड़ी देर बाद कहना आ जाओ मेरी रेहड़ी ते चलने फिर साडे खानदान च मशहूर है चा। अच्छा बाजी तुहाडा जिहड़ा बोलन दा स्टाइल है ना बाजी रेशमार गाइड सिंगर भी सी मैं सही कह रहा बिल्कुल फील हो रहा ना। अच्छा अच्छा चाय तो होर की बना लेंगे भिंडी बना लेंगे भिंडी गोश्त जी कचनार हाँ जी सारा कड़ी ले हर चीज बना ली थी इनू किसी दिन उल्लू बना ना फिर पता लगे हाँ जी ए बाजी ने किन्नी बड़ी चाह बना के भला की कहना ये मैं अपने लिए बनाई है तुसी अपनी बना लो लो जी हाँ जी ओके जी चाय पियेंगे बाजी के हाथ की चाय मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ उस दौरान आप आए अपनी सीट संभाले नादरिन यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं ना थोड़ा पुराना रखा पाया सी हां जी वो टूट गया पता नहीं कदों का रखे होया है शो तू कदों किन्ने दिन बाद करना आना